अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आज हम अपनी जो ज्वार है मल्टी कट, जिसको सोडान घास कहते हैं, और ये ज्वार की ऐसी किस्म है जो कि 6 से 7 कटिंग्स दे जाती है, उसके ऊपर स्प्रे करने लगे हैं कीड़े मार जहर का। उसके साथ मैं कुछ टॉनिक भी बनाने लगा हूँ ताकि वो ज्वार जो है वो जल्दी से ग्रो करे और बहुत जल्दी तैयार हो जाए। तो इसके लिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे टॉनिक को उसको ग्रोथ को फास्ट करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है ये जबरेलिक एसिड की टैबलेट्स। आपको ये पैकेट नज़र आ रहा है, इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं इस तरह की, और ये एक टैबलेट जो है वो 10 ग्राम की होती है। तो एक एकड़ में ये एक टैबलेट ही इस्तेमाल होती है। आप चाहे उसमें 4 टैंकियाँ लगा रहे हैं या 5 टैंकियाँ लगा रहे हैं, तो उसमें ये एक टैबलेट जो है शामिल कर लें। इसके साथ, चूंकि अभी तक मेरे उस ज्वार में इतनी ज़्यादा अटैक नहीं है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो जहर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, कैमरे के साथ थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जहरें हैं ये एमएमएक्टन और लीफ न्यूरॉन का मिक्सचर है। तो ये शुरू में बहुत अच्छा कंट्रोल देती है। अगर आपने इससे बेहतर करना है तो आप बायर की रिजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फिप्रोनिल जो कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल देता है, काफ़ी लंबे अर्से तक वो कंट्रोल दे देता है। लेकिन अभी चूंकि इतना ज़्यादा अटैक भी नहीं है और थोड़ा सा मौसम कीड़ों के लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो मैं ये एमएमएक्टन और लीफ न्यूरॉन का मिक्सचर स्प्रे करने जा रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा कंट्रोल दे जाता है कीड़े वगैरह का, छोटे मोटे कीड़े जो है वो मर जाते हैं। और इसके साथ ये जबरेलिक एसिड को मिक्स करके स्प्रे करूँगा ताकि ये तो जो एक इंसेक्टिसाइड की स्ट्रेस होती है वो भी नहीं आएगी, और दूसरा ज्वार जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। तो हम टंकी फिल कर लेते हैं और उसके बाद आपको ज्वार भी दिखाते हैं। हम ये जबरेलिक एसिड की जो टैबलेट है वो इस डब्बे में हल कर लेंगे और फिर जितनी भी टंकियाँ हमारी होंगी उसमें उसी मुनासिबत से डालते जाएंगे। तो दोस्तों, तो ये जबरेलिक एसिड की टिक्की को हम ओपन करके भी आपको दिखाते हैं। ये दो टिक्कियाँ, और इसको हम अगर ओपन करें तो ये किस तरह की नज़र आती है। ये इस तरह की एक बड़ी सी टैबलेट आपको मिलती है, बिल्कुल जैसे आपको जो है वो डिस्प्रिन की टैबलेट मिलती है छोटी, तो ये बड़ी है 10 ग्राम की टैबलेट है। अब इसको आप हल कर सकते हैं। अगर तो आपने पूरे एकड़ में लगानी है तो ये एक टैबलेट है, क्योंकि मेरा हाफ एकड़ है तो मैं वहाँ पे हाफ टैबलेट इस्तेमाल करूँगा। अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो आसानी से जो है वो आप ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर आपने इसको जो है वो दो कनाल में इस्तेमाल करनी है तो आप आधी भी कर सकते हैं, तो इस तरह से बाकी को आप सेव करके रख भी सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि इसको हवा बंद रखना है। अगर आपने इसको बाद में इस्तेमाल करना है तो शापर वगैरह में डाल के दुआ रखें, क्योंकि ये खुल जाने के बाद ये हार्मोन्स है इनकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसी में डाल के आगे से इसको सील कर देंगे तो कुछ दिन तक ये आप इसको सेव रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अर्से तक नहीं। तो हम इसको जो है वो हल कर लेते हैं पानी में, और उसके बाद जो है वो टंकी में डालेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने पानी ले लिया और अब मैं इसमें ये जो एक टिक्की का चौथा हिस्सा डालने लगा हूँ। तो जैसे ही आप डालेंगे आप देख रहे हैं कि ये इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं और ये बड़ी आसानी से फिर इसमें हल होना शुरू हो जाएगी। अब देख रहे हैं इसमें से टिक्की में से बबल्स निकल रहे हैं, जिस तरह से डिस्प्रिन की टिक्की में से बबल्स निकलते हैं बिल्कुल उसी तरह की इसमें से बबल्स निकल रहे हैं, और ये कुछ ही देर में ये बताते खुद जो है इसमें हल होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका रिएक्शन बिल्कुल डिस्प्रिन की गोली की तरह का रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसमें जब छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें हल होना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में बजाते खुद ये हल हो जाती है। आप ये देख रहे हैं, मैं जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो ये जो है ना खुद ही हल होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जबरेलिक एसिड इसमें हल हो चुका है, अब हम इसको टंकी में डाल देते हैं। और अब टंकी को हम आधा कर लेते हैं, मजीद पानी डाल लेते हैं कुछ और,